स्पीड थोड़ी स्लो करके, और बाद में इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइमिंग इसका बढ़ा देंगे, ठीक है। तो पिछली बार जो हमने निकाला था ये B1 के नाम से, फिलहाल मैंने B2 उसको दिया, सेव किया, इसको रेंडर करेंगे। हम तीसरे सीन की तैयारी करेंगे अब यहाँ से। तो तीसरे सीन के अंदर क्या है, यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। पहले सीन में इसको नोटिस कर रही है, तीसरे सीन में इस डॉल को उठाकर ले आएगी। तो तीसरा सीन तैयार करेंगे यहाँ से, एंड ये रेंडर हो रहा है। और जब तक ये रेंडर होता है हम क्या करते हैं, फिल्मोरा के अंदर बाद में जाते हैं। फोटोशॉप की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसको कर देंगे यहाँ से बंद। नो, एंड फिलहाल हमने इसका प्रीव्यू नहीं देखना है, इसको बंद कर देंगे। सीन टू हमने बना लिया, सीन टू को आप सेव कर लें, फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। एंड ठीक है, न्यू फाइल मैंने डायरेक्ट ले ली, सीन टू को भी सेव करके रखें। उसके बाद अब तीसरा सीन, तो तीसरे सीन में क्या है, ये डॉल को घर घर पर लेकर आएगा कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर तीसरा सीन तैयार करना, तो तीसरे सीन, तो जो पुरानी वाली फाइल थी हमारी उसके अंदर ही आ जाते हैं हम यहाँ से। या तो न्यू फाइल बना लें, या फिर पुरानी वाली जो है यहाँ से रिसेंट के ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ से P1 के प्रोजेक्ट, P1 के नाम से हमने सेव की थी, तो पुरानी फाइल को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उसी के अंदर ये वर्किंग कर देंगे। जब तक ये ओपन होती है यहाँ पर देख लेते, कंफर्म कर लेते। तो इसके अंदर क्या है, ये फीमेल इस डॉल को पकड़ कर यहाँ पर लेकर आती है। नाउ साउंड क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, तो फिर एनिमेशन को उतना नोटिस नहीं किया जाता। यहाँ पर स्वॉप के आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से जितने चाहें उतने आप स्मॉल शॉप या जैसी भी शॉप आपको चाहिए वैसी शॉप आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और फिलहाल इसको ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट खुल गया है, तो हमें इसी की ज़रूरत थी। अब हमें मेल कैरेक्टर्स के अंदर नहीं दिखाना है, तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं या फिर इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके फाइल को, सपोज आपको कभी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइल को सेव एज करके एक अलग से कॉपी बना ले, तो पुरानी जो है वो आपकी सेव रहेगी, ठीक है। ये कैरेक्टर का एनिमेशन अभी मुझे नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव ऑब्जेक्ट एंड एनिमेशन मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। और कैमरे की मुझे ज़रूरत नहीं, कैमरे से पहले मैं बाहर चला जाता हूँ। तो कैमरा भी मैं दिखाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि इस फाइल के अंदर मैं काम करूँगा फिलहाल, ठीक है। इतना मैंने, फिर वंस अगेन यहाँ से क्या करेगी, डॉल को अपने साथ लेकर जाएगी। अब डॉल लेकर जाएगी, तो डॉल की हमें ज़रूरत वंस अगेन फिर पड़ेगी। तो हमने डॉल यहाँ पर रखी थी, और यहाँ से फिर कार्टून एनिमेटर में आएंगे हम यहाँ एज ए प्रॉप, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम डिटेल में काम करना, तो जूम करके काम करेंगे हम, और जूम करने के बाद में यहाँ पर इसको हम लेकर आएंगे फिलहाल 0 फ्रेम पर, ठीक है जी। अब ये डॉल इसके हाथ में रहेगी, 0 फ्रेम पर रख के ही इधर उधर लेकर जाए, नहीं तो एनिमेशन यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, हाथों से इसको फिलहाल सेलेक्ट करेंगे, और ये पोजीशन बना देंगे कि इस एक्टर ने इसको पकड़ रखा है। यहाँ से जाएंगे 2D मोशन के एडिटर के ऊपर, इधर आएंगे ये वाले हाथ से इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है इसे नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बैक लेकर जाते हैं कैरेक्टर के पीछे, और ठीक है अभी फिलहाल दोनों हाथ की पोजीशन कर देते हैं। दूसरे हाथ को भी चाहे तो वहीं से पकड़ कर ले आएँ, या फिर डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर लें, 1 एंड क्या है, 2।
ऐसे पकड़ रखा है, इस तरीके से सो होना चाहिए। इस हाथ को पीछे ले आए थोड़ा सा, ठीक है। और अभी फिलहाल इसको कोई दूसरी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए कोई भी टूल है उसको बंद करना होगा। इसको ऑब्जेक्ट को हम फिलहाल इस हाथ के पीछे लेकर जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हाथ के पीछे चली गई है और इसको क्या करेंगे, फिलहाल उठाकर इस तरह से यहाँ पर ले आते हैं आगे। ओके, एंड यहाँ से थोड़ा सा स्केल कर लेंगे इसको, ठीक है। और ठीक है, इसके आगे ही रख लेते हैं इस हाथ के ना, एंड ठीक है। और इस तरह से दिखाएं, इस तरह से नोटिस करें कि हाँ इसने पकड़ रखा, हाथ की पोजीशन ये हो गई है। और अब हम इसको इसको हमने लिंक करना होगा इसके हाथ के साथ में, तो इसको हमने कैरेक्टर को पकड़ा और यहाँ से तभी ये इसके साथ चलेगा। एंड नाउ ठीक है, बाद में लिंक करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर को वॉक साइकिल देंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे एंड एक्शन मेनू के ऊपर और यहाँ से वॉक साइकिल। ओके, वॉक की जो कंटिन्यू वाला वॉक है ये हमने इसको दिया, ठीक। और कंटिन्यू वाला वॉक हमने इसको दिया है, लेकिन अभी इसके हाथ के अंदर भी एनिमेशन आ गया, तो हाथ का एनिमेशन स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नाउ टाइम लाइन के ऊपर जाएंगे और एक्टर सिलेक्ट है इसके मोशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से इस मोशन के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे रिमूव, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ का एनिमेशन आपने हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से हिप का हटाना है, किस चीज़ का हटाना है, ठीक है। थाई फ्लोर, एल थाई, फुट, आर्म, ठीक है। तो हम एल आर्म, ठीक है, और राइट क्लिक करके एल आर्म का हमने एनिमेशन हटा दिया है, आर आर्म का हमने हटा दिया है। और यहाँ से हम चेक करते हैं क्या क्या एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन उसका अभी बंद हो गया है, हाथ का बंद होने के बाद में क्या करेंगे, नाउ वन सेकेंड जाना होगा हमने 2D मोशन थिएटर पर, ठीक है। और फिर से हमने उसके हाथों को देना होगा ये पोजीशन, यहाँ से सेलेक्ट करें और इसके हाथ को लेकर जाएं, ठीक। ओके, फैंटास्टिक। यहाँ से इसको करेंगे क्लोज और क्लोज करने के बाद में ये जो हमारे पास है इसका मोशन, इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेकर जाएंगे फिलहाल, चलिए 95 फ्रेम, यहाँ से 95 फ्रेम पर लेकर जाएंगे इसको। और नाउ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, टाइमलाइन को क्लोज करते हैं और सीन को करेंगे छोटा, ठीक है। यहाँ से सीन को छोटा कर लेते हैं और इसको लेकर आएंगे इधर। नाउ फीमेल को सिलेक्ट करेंगे और 0 फ्रेम पर यहाँ है, 95 फ्रेम, 96 फ्रेम पर आ जाएगी ये अराउंडेड घर, ठीक है। घर आ रही है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो पीछे रह गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे इस गुड़िया को इसके साथ में, गुड़िया को पकड़ेंगे और ठीक है कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं उसके ऊपर एनिमेशन लिंक। ठीक है, ओके, जूम कर लेंगे पहले थोड़ा सा, जूम करने के बाद में आएंगे इधर, यहाँ से गुड़िया को पकड़ेंगे और गुड़िया को पकड़ के कर देंगे लिंक। यहाँ पर आएंगे हम, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर के लिंक हटाना हो तो लिंक करेंगे और लिंक लगाना है तो लिंक करेंगे। और इसको लिंक करेंगे किसके साथ में, इस हाथ के साथ में करना हो तो यहाँ पर लाएं, जहाँ पर भी करना है पूरी बॉडी के ऊपर, फेस पर करना है, फेस पे उसी के साथ मूवमेंट करेगा जिसके साथ लिंक करेंगे। फिलहाल हमने इस हाथ के साथ में इसको लिंक कर दिया और यहाँ से यदि हम इसको प्ले करेंगे तो ठीक है, चल रहा है उसी के साथ में।
हमने क्या किया था, इसको 95 फ्रेम किया था, 95 फ्रेम पर हम यहाँ पर आएंगे और इसको 95 फ्रेम पर कंट्रोल इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव ऑब्जेक्ट है, इसको एनिमेशन लग गया अभी, ओके ठीक है। लिंक किसका हट गया है, 0 फ्रेम पर रहेंगे, 0 फ्रेम पर जाकर करेंगे हम इसका लिंक, कंट्रोल जेड करने से लिंक इसका हट गया है, ठीक है। अब इस हाथ के साथ लिंक किया है हमने, तो इसके साथ नाउ ये मूव हो रहा है, ठीक। कैरेक्टर को पकड़ेंगे यहाँ से और 95 फ्रेम पर ले जाकर छोड़ देंगे इसकी पोजिशन पर, 95 फ्रेम और 95 फ्रेम पर कैरेक्टर को पकड़ लेंगे, डॉल जो है लिंक हो गई है उसके साथ में, ठीक है। छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सीन, ठीक है इतना ठीक है। यहाँ पर आएंगे और वंस अगेन यहाँ से बैक जाएंगे, फिर वापस नाव प्ले करेंगे, ठीक है। डोल को लेकर आ गई है, हाथ इसके थोड़े ऊपर रख के तो ऊपर रहेंगे फिलहाल, यहाँ यहीं पर ठीक है। अब इस सीन के अंदर सिर्फ इतना ही हमने दिखाना है, अब सीन को एनिमेशन हमारा परफेक्ट हो गया, तो सीन को यहाँ से प्रॉपर रेंडर निकालने के लिए हम तैयार कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस सीन में इस तरह से डोल लेकर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कोई कैमरा नहीं लगा रहे हैं इसके अंदर, हम डायरेक्ट इसको हम रेंडर कर रहे हैं और इतना रेंडर में दिखा रहे हैं। रेंडर के लिए रेंडर पर जाएंगे, रेंडर वीडियो पर जाएंगे और यहाँ से बाय डिफॉल्ट, ठीक है, साइज यहाँ पर MP4 साइज ये रखना है, रेंज पर जाएंगे और कितना रेंडर कर रहे हैं हम, 95 फ्रेम इसको रेंडर कर रहे हैं, तो 95 फ्रेम हमने इसके लिए इसको लिया। एक्सपोर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर ये वीडियो हम तीसरी वीडियो तीसरी एक जो इसके फुटेज बना रहे हैं इसको हम सीन बोल सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, ओके एक्सपोर्ट होने लगा ये। अब हम जाएंगे फिल्मोरा के अंदर और जैसे ये वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिल्मोरा के अंदर हम जाएंगे और इन तीनों सीन को जो है तैयार करके हम एज ए वीडियो को रूप देंगे। आप ये देख रहे हैं 10 मिनट की वीडियो है, तो इसके अंदर ऐसे कह सकते हैं कि आप कई सौ या फिर हजारों सीन ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे सीन आपने पूरे तैयार करने हैं और उसके बाद ही ये वीडियो कंप्लीट हो पाती है। तो फिलहाल ये तीन सीन हमने यहाँ पर तैयार कर लिए, उन तीन सीन को मिक्स करके जो है हम इसको वीडियो का रूप देंगे। ऑडियो आप चाहें तो यहाँ पर दे दें और या फिर फिलहाल ऑडियो किस तरह से देनी है, फिल्मोरा के अंदर आकर देखते हैं। ये बन गया, इसको फाइल को सेव कर देंगे, इसको मिनिमाइज करते हैं और फिलहाल यहाँ पर एक दो तीन तीन वीडियो हमने बनाई है, फिल्मोरा के अंदर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, एंड एक दो तीन तीनों हैं जितनी भी वीडियो फुटेज हैं, डायरेक्ट उनको पकड़ेंगे, पकड़ के लाएंगे यहाँ पर और फिल्मोरा में यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, तीन फुटेज हमारी हैं यहाँ पर और ये फुटेज पकड़ेंगे और यहाँ से फिल्मोरा पर छोड़ देंगे, एंड या तो पहली फुटेज पर पहले काम कर लें जितना कर लेना है, ठीक है। और ऑडियो है ये पहले से रिकॉर्ड की हुई है, किसी दूसरी है लेकिन ऑडियो फिलहाल कैसे लगानी है, ऑडियो को यहाँ पर नीचे लाकर छोड़ देंगे, नाउ स्पेस बार दबाएंगे तो प्ले हो जाएगा। ऑडियो आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि माइक लगा है तो नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो ऑडियो जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो वहाँ सुनेंगे, ठीक है। अभी नाउ हम इसको प्ले कर रहे हैं तो इसको मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी, स्पीड हम यहाँ से भी स्लो कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे किसी भी वीडियो फुटेज के ऊपर और यहाँ से फिलहाल हम यदि इधर हम आते हैं तो स्पीड कम होती है, इधर हम आते हैं तो फिर बराबर हो गई और इधर हम आएंगे तो बड़ी होगी, यहाँ से वीडियो फुटेज भी हमें बड़ी दिखेगी, नाउ प्ले करते हैं तो हम स्लो हो गए, ओके। एंड दूसरी वीडियो फुटेज हम लेकर आएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, इसके आगे जस्ट आ गई है और अब हम इस वीडियो फुटेज को प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका भी थोड़ा सा फिलहाल मैं बढ़ा लेता हूँ, फिलहाल तो ठीक है इसका भी ठीक है, तो उसको रहने दें। और या फिर जो तीसरा फुटेज है हमारा ये हम इसको लेकर आएंगे,
ठीक है जी, इसकी स्पीड काफी तेज है, इसकी स्पीड करते हैं कम। ये पहला सीन है, पहले सीन के अंदर इसकी स्पीड हमने कम कर दी है तो कम दिख रही है, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये दोनों मेल फीमेल सिटी से आते हैं एंड अपने घर पर, ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर गेट पर रुकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर फेस का एनिमेशन है। एंड उसके बाद फिर दूसरा सीन तैयार होता है, वो बाजार जाती है, बाजार से कुछ डॉल जो है लेती है और तीसरे सीन पर लेकर यहाँ पर घर पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है आपकी ऑडियो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में चलती रहेगी, फिलहाल ये ऑडियो एक्स्ट्रा है तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से इसके ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, कट करके यहाँ से डिलीट करके इसको हटा देंगे। सेम मेथड वीडियो के अंदर होता है, आपने कोई सीन अगर कट करना है तो आपने क्या करना है, सपोज मैंने इतना वीडियो है, सिर्फ अगला हिस्सा मैंने कट करना है तो यहाँ से कट करके इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर डिलीट प्रेस कर कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ, ज़रूरत नहीं। एंड इसी तरह से सीन यहाँ पर रेडी हो जाता है, यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट वीडियो बना देंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे, क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से MP4 निकालना है तो MP4 सेलेक्ट करें, साइज क्या रखना है यहाँ से वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिलहाल मैं सेटिंग पर जाकर इसका साइज चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। एंड क्वालिटी आपने अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हैवी होगी, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको गुड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। और कहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है वो जगह सेलेक्ट कर लें, इसके ऊपर जाकर फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पर कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पर नेम जो है वीडियो का दे दें और यहाँ से इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। हाँ, वीडियो रेंडिंग हो रही है और इसके अंदर थोड़ा सा समय और लगेगा रेंडिंग में, और ये रेंडर होते ही वीडियो हमारी रेडी हो जाएगी टू पब्लिश करने के लिए। एंड राइट क्लिक का यहाँ पर निशान आ गया और यहाँ पर लिखा है मिशन इज कंप्लीट, ओके। यहाँ से फिलहाल हम इसको फाइल को चाहें तो यहाँ से सेव कर लें, कभी भी ज़रूरत हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलहाल ये जो वीडियो हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है एंड इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ना इसको VLC में मैं चला रहा हूँ, यहाँ से इसको हम प्ले करेंगे। और मैं फिलहाल माइक इसका हटा देता हूँ ताकि ये जो ऑडियो बेसिक ऑडियो थी जो इसके अंदर हमने लगाई है। बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, माँ मैं कब से स्कूल नहीं गया, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। माँ कहती है बेटे लॉकडाउन है और सभी स्कूल बंद है, तुम स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन बच्चा तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी किस तरह से हम कंप्लीट एक सीन रेडी करेंगे, और आई होप आप इस तरह से एक सीन अपना रेडी कर पाएंगे। को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।